हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आज ना हम किसी से बात करने वाले हैं। कौन है वो? दीप रॉय। सो दीप रॉय कौन है? ही इज माय स्टूडेंट। और अभी उन्होंने 12th पास आउट करने के बाद, रिसेंटली उन्होंने क्लास 12th पास आउट करी थी। रिजल्ट उनका अगस्त 2020 में आया था, मीन्स 4 months पहले। और उसके बाद उन्होंने क्या करा था, उससे पहले कोर्स परचेज कर लिए थे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जो हमारे GST, इनकम टैक्स, टैली, एक्सेल के उनके कोर्सेज रहते हैं ना, तो वो कोर्सेज उन्होंने स्टार्ट किए और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। विद इन 4 to 5 months उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, 2.5 lakhs पर मंथ अर्न कर रहे हैं। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, मतलब अभी जस्ट उनको 4 months हुए, तो ग्रो करने की चांसेस बहुत है। सो कैसे उन्होंने कोर्सेज को किया, मतलब क्या उनको बेनिफिट रहा नहीं रहा, क्या चैलेंजेस है, क्या उन्होंने ट्रिक्स लगाई जिसके कारण इतने लेवल तक पहुंच पाए, कैसे क्लाइंट्स को मैनेज करा, कैसे उन्होंने माइंडसेट अपना क्लियर करा, और अभी वो CA फाउंडेशन भी कर रहे हैं, तो वो CA फाउंडेशन आखिर कर क्यों रहे जब इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें। सो वो आपको, मतलब जो एक आपके माइंड में बातें रहती हैं या आपके इतने डाउट्स आए, तो वो सब चीजें हम उनसे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, उनसे बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और कैसे उन्होंने अपने आप को इस लेवल तक ग्रो किया। मतलब मैं बहुत गाँव से हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि मेरे फादर तो पहले में मतलब बिजनेस में थे, ठीक है, बिजनेस मतलब छोटा बिजनेस, इतना बड़ा भी नहीं, तो उसका उनका GST का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मतलब अकाउंटेंट जो है बहुत मतलब चार्ज कर रहे थे, तो इसके लिए मैं GST का कोर्स को सर्च करने में लगा था, ठीक है, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे करके। तो उस समय आपका मुलाकात है, मतलब ऑनलाइन आपको देखा, फिर मैंने आपको कॉल कर लिया, मतलब एकदम आंख बंद करके मतलब विश्वास कर लिया आपको, मतलब जो भी हो सर को, मतलब कुछ पे करना है, कोई किसी में डाउट रहते हैं कि मतलब पे करूं तो अच्छा होगा कि बुरा होगा, मतलब ये तो होता ही है, मतलब बहुत फ्रॉड है, तो इसलिए होते हैं, मतलब आपके ऊपर मतलब मेरा फेथ ऑटोमेटिकली ऐसे ही जाग गया। मतलब कोई मुझे सजेस्ट भी नहीं किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिक हो गए। शायद आप YouTube के थ्रू आपको मिला था वीडियो जो मिली थी, YouTube के थ्रू मुझे मिला था, पहला वीडियो मिला था, तो मैं तो आपके साथ मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट किया फोन बिल्कुल, तो कांटेक्ट, तो फिर तो मैं ज्वाइन कर लिया एक्सपर्ट वाला कोर्स, तो बहुत अच्छा रहा। और कंप्लीट हो गया आपको तो? So, अभी आपने 12th क्वालीफाई किया था, है ना? कितने मंथ्स हो गए 12th? हां, 12th पास आउट मार्च में सर एग्जाम खत्म हुआ, और क्वालिफाइड होने में मतलब जो रिजल्ट में लॉकडाउन के लिए अगस्त में रिजल्ट दिया, अगस्त में रिजल्ट आया आपका, है ना? और आपने सुपर एक्सपर्ट कोर्स किया था, आई थिंक आपने जो कोर्स किया था, है ना, सुपर एक्सपर्ट, हां सुपर एक्सपर्ट कंप्लीट करे हुए लगभग मेरे ख्याल से आपको अभी 3 या 4 months हुए हैं, कितने हुए हैं कंप्लीट करे? मतलब नहीं, अक्टूबर सर, अक्टूबर, मतलब आज जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि आप बाद में भी देख सकते हैं ना स्टूडेंट्स बाकी, सो अभी दिसंबर है, मतलब अभी 2 months पहले इन्होंने क्लियर करा है, अपना कोर्स कंप्लीट किया। सो मतलब आपने, अगर मैं अगस्त से भी काउंट करता हूँ, तो अगस्त से हमारे 6 और 7, मतलब 6 months भी कंप्लीट हुए नहीं है, और रिजल्ट आने के बाद 4 months पूरा भी नहीं आता है आपका, और अभी आपने इतना लेवल तक ग्रो करा है, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे भी याद है कि जैसे आप स्टार्टिंग करते थे, तब कॉल कर करके पूछते थे कि सर अभी क्लाइंट आया है, मैं तो कॉल कर, मतलब आपके हेल्प के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। तो वो प्रॉब्लम तो आता है, आपकी मतलब हाथ पकड़ के मैं इतना दूर आया हूँ, सच्ची में अभी, मतलब आपके बिना तो मैं पहले ही बोलता था, मतलब आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं, तो आप मतलब दिशा दिखाने के लिए जो सोर्स दिखा, मतलब वो लक्ष्य आपने दिखा दिया, ऐसे जाओ, मैं ऐसे चला गया, सक्सेस में आया, ठीक है। अभी तक तो, अभी तो चार्टर्ड फाउंडेशन में आपके कहने पे ही मैं ज्वाइन किया, ठीक है। हाँ, मतलब एक बहुत अच्छी बात, लोग बोलते थे चार्टर्ड मत करो, मतलब सबसे पहले मैं बाकी सबको बता देता हूँ, सबको बता देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, आज के टाइम पे 2.5 lakh रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हैं, मतलब हर किसी को लगता है कि ठीक है मेरा करियर सेटल्ड हो गया, सब हो गया, 12th के बाद मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, तो अभी क्या मुझे आगे फर्दर पढ़ के फायदा क्या है। बट मैं हमेशा कहता हूँ अपनी लर्निंग हमेशा ग्रो करो, ठीक है, आप अर्न कर रहे हो, अर्निंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, और दैट्स व्हाई ही इज डूइंग CA फाउंडेशन राइट नाउ। पैसा से सर नॉलेज नहीं खरीद सकते हम लोग, पैसा से नॉलेज नहीं आता, करेक्ट करेक्ट, मतलब नॉलेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लाइंट के साथ कंसल्ट करने के लिए नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल।
सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं, बिजनेस स्टडी भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अर्न कर रहे हैं क्या, बिल्कुल पढ़ाई हमेशा करो, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं ये मुझसे तो उसमें भी मजा आ रहा है, तो डेली बात होती रहती है, डेली बात होती है, ठीक है ना। सो फाउंडेशन करते करते अभी जैसे कोर्स आपने कवर किया था इसमें, अभी 12th के बाद एकदम आपने पढ़ा, तो उसमें कहीं पे मतलब ऐसा आपको फील हुआ कि मतलब एकदम मतलब जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, मेरे लिए सब कुछ नया है, अभी तो जस्ट 12th में तो ऐसा लगता है एकदम स्कूल लाइफ खत्म हुई और कहां मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर रहा हूं, तो लगता ही है ना, और एकदम मतलब इस लेवल पे आ जाना, तो कोर्स में मतलब क्या चैलेंजेस रहे थे, इजी रहा था मुश्किल रहा था, और कैसे उसने हेल्प करी थी? चैलेंजेस तो बहुत रहे थे सर, मतलब पहले तो मैं जीएसटी का कोर्स में घुसने के बाद सब कुछ तो इतना ज्यादा पता नहीं था, तो क्लाइंट के साथ बात करने से वो इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा ही हुआ था, तो जाते जाते तो मैं तो कहाँ पे करूँ कहाँ पे सोच रहा था, क्लाइंट मन में खुश रहा था, मतलब अंदर ही अंदर मैं खुश रहा था, मतलब मिलता तो नहीं था, तो मैंने पहले तो मेरा पापा का किया, मेरा चाचा का भी, मैं ऐसे ऐसे दूसरे कैश लेजर का रिटर्न मिल सकता, मतलब कुछ कर, मतलब वो करके मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज लेके उनको समझाया, वो मेरे पास मेरे कंसल्ट में आ गया, ठीक है, तो वो उनका काम मुझे दे दिया, तो पहले उनसे पे नहीं, मतलब चार्ज नहीं करते थे हम, कुछ भी नहीं करते थे, तो वो जो लोन का सेंक्शन कराया आईटीआर का आपसे कराया ना, बिल्कुल राइट राइट, हां फिर मैं बैंक के साथ रिलेटेड हो गया, ठीक है, बैंक के साथ मतलब जाने से, मतलब अभी तो ऐसा होता है, मतलब जिस बैंक में मैं घुसता हूं ना सर, मैनेजर सर चेयर छोड़ के देते हैं, सर बैठिए पहले क्या लेंगे, चाय या कॉफी लेंगे, बोलिए सीधी सी बात है, देखो हर किसी को बिजनेस चाहिए, अगर आप बिजनेस ला के दे रहे हैं ना उनको मतलब नहीं है कि आपकी क्वालिटी, आज इनफैक्ट मैं क्या होता है जब मैं किसी से बात करता हूँ ना कहीं पे मैं रेफर करता हूँ किसी को, तो वो क्या कहते हैं कि 12th पास आउट बच्चा है ये नहीं करेगा, मतलब कुछ भी बात होती है ना नहीं, नहीं। कि 12th पास आउट है तो क्वालिफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट सर, नॉलेज ज्यादा चाहिए लोगों को, नॉलेज ज्यादा चाहिए, मैंने अब आप ये देखिए जो भी वीडियो देख रहे हैं आप खुद मतलब एक ही आंसर होना है मुझे गारंटीड पता है, इतने साल हो गए पढ़ते हुए कॉलेज में पढ़ते हुए, जो स्कूल में स्टडी करा है जिन्होंने, उसके बाद कॉलेज कर लिया है, प्रोफेशनल डिग्री कर लिया, कुछ भी कर लिया है, तो क्या ड्रीम जॉब मिल गई है क्या आपको, क्या जो चाहा था जितना अर्निंग करना चाहा था जितना आपने मेहनत करी है कुछ हो गया है क्या? नहीं हुआ, क्यों? जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है ना स्कूल लाइफ में वो इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, ऐसा नहीं कहूंगा कि स्कूल लाइफ छोड़ के नर्सरी से ये करने शुरू कर दो, जीएसटी पढ़ना शुरू कर दो वो इंपॉर्टेंट है, बट हमारी एजुकेशन में कुछ ड्रॉबैक भी हैं और लिमिटेशंस भी रहती हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको क्या करना है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो सर प्रैक्टिकल लाइफ में सर बहुत चैलेंजेस फेस होना पड़ता है, तो उसका सॉल्यूशन भी आती है, तो उससे भी मजा भी आता है, तो स्टडी में जब अर्निंग भी होगा और स्टडी भी हम करेंगे तो दूसरा वाला मजा आता है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना कर पा रहा हूँ, और मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके टाइम पे तो जब आपने कोर्स किया था मैंने वीडियोस उसमें अपलोड नहीं करी थी कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अभी तो रिसेंटली मैंने वो भी अपलोड कर दिए कि मतलब हर किसी को स्टार्टिंग से ही पुश मिल जाए, अब ऐसा है ना, तो अभी आपके पास क्लाइंट्स अभी सिर्फ आपकी सिटी के हैं, बाहर के भी कुछ क्लाइंट्स आने स्टार्ट हैं? सर मेरे पूरे स्टेट से क्लाइंट्स, बस पूरे स्टेट से, तो बस फिर मतलब अपनी लोकेशन तक लिमिट नहीं हो ना, स्टेट का सर स्टेट का सर एक भी मतलब डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं है जिस जगह पे मेरा क्लाइंट्स नहीं है सबसे बहुत अच्छा, यही अभी तो मैं मतलब एक जगह में मतलब कैपिटल पकड़ने का सोच रहा हूँ, एकदम ऑफिस तो आपको दिखाई है ना, हाँ ऑफिस मैंने देखा अभी यहाँ पे, वो छोटा है अभी, उसके ऊपर मैं खुद ही मतलब घर करूंगा, मतलब राइट बिल्डिंग करूंगा, मतलब मेरे ओन से, मालिक को जो लैंड ओनर है उनको रेंट से कट करने को बोल दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब एक्चुअल में क्या हो जाता है ना कि जब आपने नॉलेज ले ली जीएसटी, अब ऐसा होता है कि जब मैं कहता हूँ ना कि सीए जैसा वर्क करोगे सीए जैसा अर्न करोगे, तो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब कहाँ आप 6 साल सीए में मेहनत करके कर रहे हो और कहाँ आप 3 महीने में इसके लेवल के बन रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो डेफिनेटली सीए वाली बात अलग है, वो भी सीए अभी आप कर रहे हो है ना, तो क्योंकि सीए की एक चीज अलग ही होती है, एक अपने में सेल्फ रेपुटेशन वगैरह, मतलब इसमें सीए नहीं हूँ बट
बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें, और उसके मतलब एक सेल्फ रेस्पेक्ट और जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि मतलब आप बैंक में जा रहे हो, वहाँ के टॉप मैनेजर जो हो गए बैंक के ब्रांच मैनेजर हो, वो आपसे कह रहे हैं सर सर कर रहे हैं, क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं वो आपको सर बोल रहे हैं, मतलब इतनी छोटी एज में मैनेज करना और वो सब एक जो प्राइड मिलता है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है. तो दैट्स वाई मतलब ये चीजें होती हैं. अब मुझे भी याद है कि जब स्टार्टिंग में आपने फर्स्ट क्लाइंट आए थे तब आपका फोन आया कि सर मेरे पास क्लाइंट आया, अभी कैसे करूँ मैं. छोटे से क्लाइंट था उस टाइम पे मेरे ख्याल से, उनका 4-5,000 रुपीस का वर्क था उनका, मतलब जो फीस थी उनकी ऐसी 4-5,000 रुपए की मुश्किल से थी शायद, है ना. तो उस टाइम पे भी जब आप आए थे तो आपने कहा कि ठीक है सर ये मेरे से नहीं हो भी मैनेज हो पाएगा, आपने हैंड ओवर कर दिया. तो ठीक है अभी वो काम तब तक तो मैंने सर उस टाइम पे इनकम टैक्स का नहीं किया था, मतलब जीएसटी का खत्म हुआ था, राइट, तो आईटीआर में कोई नॉलेज भी नहीं था, बट काम ले लिया था मैंने. हाँ, काम ले लिया था. क्लाइंट्स का एक ही मामला है, मतलब काम होने से मतलब कहाँ से करो वो कहाँ से करो वो दिक्कत नहीं है. तो वही चीज होती है स्टार्टिंग में, मतलब बाकी स्टूडेंट्स से भी मैं जो बात कहूंगा कि दीप के साथ भी क्या हुआ कि उन्होंने जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई ना उनको, तो मैंने उनको एक ही चीज कही, वर्क लो, मना मत करो, जहां पे आपसे नहीं हो पा रहा है हैंड ओवर करो. लाइक जहां पे मेरे लिए पॉसिबल हुआ सपोर्ट करना, मैंने सपोर्ट करा, मैंने वर्क करा और या किसी से करवा दिया, चीजें होगी. अब धीरे धीरे क्या हुआ, स्टार्टिंग में ऑल टाइम ही सपोर्ट करते हैं, मतलब लीगली जो प्रोसीड्यूर से सब में आप सपोर्ट करते हैं, कुछ में ना तो अभी तक नहीं मिला मुझे. अभी अभी विश्वजीत, आप इनके कजन है विश्वजीत, उनकी मेरे पास कॉल आई कहने लगे, अभी मतलब उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया है, कह रहे मेरे पास कि सर 5 करोड़ का टर्नओवर वाले क्लाइंट आ गए हैं सर, मुझे तो डर लग रहा है अभी, मतलब 5 करोड़ का टर्नओवर मैंने तो मतलब कभी, अभी तो छोटी सी मैंने स्टार्ट नहीं करा इतना बड़ा. मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, क्लाइंट लो. मेरा भाई मेरे से ऐसा नहीं बोलता है, आपसे बोलता है डायरेक्टली. लॉस करा दिया मेरा. सर मुझे कह रहे हैं कि सर मना कर दूं या अभी क्या करूं. मैंने कहा क्लाइंट एक्सेप्ट करो, क्यों क्लाइंट को मना कर रहे हो, अभी नहीं कर पा रहे हो ना, 2-3 महीने आप ठीक है मुझे हैंड ओवर कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, दीप से करवा लो मुझसे करवा लो, ओके 3 महीने बाद तो आप सीख जाओगे ना, जब काम आएगा. और सबसे बड़ी चीज होती है कि दीप जब आपने भी मुझे वर्क दिया, मैंने हर चीज में आपको समझाया, मतलब वर्क करने में भी, तो मेरा टारगेट स्टार्टिंग से ये हो जाता है, मतलब बिल्कुल आपको समझने में मिलता है कि हाँ चीज कैसे मूव हो रही है. और टू बी ऑनेस्ट एक चीज बताऊं ना, क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, क्या क्या चाहिए, उसका भी तो नॉलेज नहीं था ना पहले. बिल्कुल, आपने बोला वो ले लो हम करते हैं, तो दूसरे क्लाइंट्स में करने में इतना ज्यादा कष्ट नहीं हुआ. करेक्ट, मतलब डायरेक्टली हम बोल दिया वो डॉक्यूमेंट्स दे दो, बन जाएगा आपका बैंक का स्टेटमेंट दे दो, ऐसे चल रहा. वो चीजें मतलब बहुत अच्छी एक चीज हो जाती है कि आपको सीखने को मिलता है. और आप मतलब जो स्टूडेंट्स अगर आप में से जो देख रहे हैं वीडियो, अगर आप उसमें भी जाएंगे ना कहीं पे ऑफिस वगैरह में वर्क करने में, तो इतना वर्क सीखने में ना 3-4 साल लग जाएंगे जो आपने मतलब अपने आप से सीख सकते हो. अभी लाइक दीप आईटीआर का सारा काम कर रहे हैं अपना, जो भी जीएसटी वगैरह का सब काम कर रहे हैं, बैंक लोन कर रहे हैं, अभी इंश्योरेंस का इनको ऐड करना है. ठीक है, वो मैं इनके कह रहा हूँ इंश्योरेंस का करना है, उससे इनकम जितना इनके पास आज ही कर लूंगा सर, एक क्लाइंट आया मेरे पास, आज आया मेरे पास, आज ही कर लूंगा इंश्योरेंस का. चलते ही ना इंश्योरेंस का करते ही आपकी इनकम 1.5 गुना तो कम से कम हो ही जानी है, डबल हो जाएगी वो आपकी. तो क्योंकि क्लाइंट है आपके पास 91 क्लाइंट्स बता रहे थे शायद. हाँ, बहुत. हाँ, 91 है. तो अभी से 95 हो गए. धीरे से बैठ जाऊंगा. अभी और 5 क्लाइंट्स बाकी है, तो होने के बाद तो क्रिसमस के पहले जब हो जाएगा तो अच्छा होगा. तो बहुत अच्छी चीज है. और क्रिसमस से पहले मतलब वीडियो में भी लेट अपलोड करूं मैं, तो मतलब ये मत सोचना कि सर क्रिसमस से पहले क्रिसमस तो चला गया, ये एक दिन की बात कर रहे हैं, कल क्रिसमस है. ठीक है ना, 24 को रिकॉर्ड हो रही है अभी वीडियो. सो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. और आप जरूरी नहीं है कि आप 3 मंथ्स में इस लेवल तक पहुंच जाओ, इट्स कम्प्लीटली ओके, सबकी अपनी स्पीड होती है, एफर्ट्स देने बहुत जरूरी है. मतलब दीप के साथ सबसे अच्छी चीज क्या रही, मैंने जो बताया ना वो देखा. अभी मैं जो कोर्स है उसमें मतलब आप ये देखिए मंथली इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सब क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो समझने में और एक्शन लेने में फर्क आ जाता है.
वहां पे अगर मैंने इनको कहा ना आप सोशल मीडिया का यूज करो, इन्होंने किया. मैंने कहा क्लाइंट्स को डील करो, करा मैंने उनको कहा कि ये काम मत करो ये गलत रहेगा, इन्होंने नहीं किया. तो लालच भी जब बोलते हो वही करते हैं वो लोग. आप जब बोलते हो स्टूडेंट लोग सब वही करते हैं, कोई डिफरेंट कोई नहीं करता है. ऐसा खुद का बोलो ना, खुद का मतलब बुक में जो लिखा है वही रीड करके मतलब रपटा मार लिया कर लिया, ऐसा तो नहीं. सही बात है, और का भी मतलब अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा. अच्छा एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जैसे मान लिया मेरा इनकम टैक्स का कोर्स कराया या आपने जीएसटी पढ़ लिया आपने टैली पढ़ लिया कि सर क्या वो 100% है क्या? मेरा सिंपल सा आंसर होता है कि नहीं डेफिनेटली 100% नहीं है. आप हिंदी सीख रहे हो, मतलब जिनकी अपनी लैंग्वेज हिंदी है सो वो बाय बर्थ बोलते आ रहे हैं. क्या हिंदी के सारे वर्ड सब भी आपको आते हैं क्या? नहीं आते, आप तो बाय बर्थ करते आ रहे हो. कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती है. इवन मैं सीए हूँ, मुझे भी जरूरत पड़ेगी जो अगर 40 ईयर से प्रैक्टिस में ना उनके सामने उनके लेवल के चैलेंज आएंगे उनको भी जरूरत पड़ेगी रिसर्च करने की. तो दीप आपके सामने भी नए नए चैलेंज आते होंगे कोर्स से अलग. सर ग्रोसरी का आइटम एक आती है सर, एक बात बोल लेता हूँ पहले. आप देखिए आईटीआर में एक क्लाइंट आया ग्रोसरी का शॉप, ठीक है, दूसरा क्लाइंट आया ज्वेलरी का रिपेयर का शॉप. तो उसमें मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ता है वो कैसे करूँ, ठीक है, उसका बैलेंस शीट पीएल कैसे बनाऊ. ग्रोसरी का तो सबका एक ही हो जाता है, कोई ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो जाता है. मतलब जो रिपेयर करते हैं उसका ट्रेडिंग में तो बहुत चेंजेस आते हैं, तो हमने पहले नहीं किया तो उसका बहुत दिखना देखना पड़ता है, गूगल सर्च करना पड़ता है, यूट्यूब देखना पड़ता है. तो मतलब एक चीज इम्पोर्टेंट है, टाइम देना पड़ता है. अब आपको चीज जो भी ढूंढते हो समझ में आती होगी और ये भी पता होगा कि कैसे ढूंढनी है ना. तो वो चीज होता है, मतलब जो कोर्स होता है ना कभी भी कोर्स, मतलब उसके बाद आपको किसी दूसरे कोर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बना देते हैं. मान लिया सुपर एक्सपर्ट कोर्स है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए आपकी अभी. हाँ ठीक है कि मुझे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाए मुझे पता है अपनी रिसर्च कैसे करनी है और कैसे उसको समझना है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पूरा कॉमर्स लाइन की तरह है. कॉमर्स लाइन की तरह मतलब 11 में कॉमर्स ज्वाइन करने के बाद 12 कंप्लीट करने के बाद आप तो बीकॉम ही करना है ना. ऐसे ही है, ऐसे ही है. सही बात है. इनकम टैक्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप तो इनकम टैक्स का ही वर्क करोगे तो फिर आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा. तो वो चीजें हैं. मैं भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ठीक है आपके पास कोई बड़ा क्लाइंट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है हैंड ओवर करो. मैं अब कई बार फीस की थोड़ी प्रॉब्लम आती है बट फिर मैं ट्राई करता हूँ कि अल्टरनेटिवली किसी से कम फीस में अरेंज करा दें. तो मतलब वर्क एटलीस्ट स्टार्ट हो, क्लाइंट को कभी जाने मत दो जो भी क्लाइंट आ रहा है. सर फीस का जो एक मामला है मैं एक बात करना चाहता हूँ. मतलब फीस के लिए मार्केट में सर जॉन प्लेयर का भी शॉप है, ठीक है, जो ब्रांड जो है जॉन बिल्कुल करेक्ट, और एलेन सोली भी है और शरीफ भी है. क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा मतलब गारमेंट्स खरीदेगा. राइट राइट राइट. तो मतलब हमारे यहाँ पे रेटिंग का जो है बहुत अप करके रखा हूँ, ठीक है, जिनको कराना है कराओ, दूसरे लोग तो बाजार मतलब मार्केट से 200 रुपए में भी आईटीआर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. उसका 200 रुपए वाला काम होगा और हमारा 2500 मतलब 2500 वाला काम होगा, और ऐसा करके हम बोलते हैं. और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जो 200 रुपए वाला क्लाइंट है ना वो आज भी आपके पास नहीं है और वो कभी आएगा भी नहीं, लेकिन वो ना मतलब लाइफ में एक बार आएगा, लाइफ में एक बार आएगा क्योंकि 200 रुपए में वो काम उसका हो नहीं रहा होगा. कभी ना कभी गड़बड़ क्वालिटी डेफिनेटली नहीं मिलेगी तो वहां पे कुछ मिस्टेक. मतलब 2 महीना बाद सर 2 महीना बाद वो क्लाइंट फिर से मेरे पास आया, अभी वो 1500 रुपए में फाइलिंग कराता है मेरे पास. हाँ तो वही चीज हो जाती है ना. हाँ मतलब पहले बोला था 200 में हो जाता है, अभी मैंने बोला 1500 से एक पैसा भी कम नहीं होगा, तुम्हारा टैक्स भी नहीं आएगा, कोई लेट फी भी नहीं लगेगा, पेनल्टी भी नहीं लगेगी. अभी एक केस और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. रिसेंटली है, मैं डे और पर्सन का नेम डेफिनेटली नहीं बता सकता हूँ. तो इनके पास एक क्लाइंट आए, उनका बहुत हाई टर्नओवर था, ठीक है, सो मतलब 50 CR पहले था, अभी उनका 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, ठीक है. अभी ये उनका क्लाइंट उनका देख रहे थे, वो पहले किसी से वर्क करा रहे, ओके, वहां पे काम करा रहे थे ना, बहुत फीस उसकी नॉर्मल थी, लेकिन क्या होते थे वो टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ा बढ़ा के मतलब नुकसान हुए जा रहा था और गलत नंबर 2 का काम ज्यादा बढ़ता जा रहा था. मतलब टैक्स पेड नहीं करता था, टैक्स पेड नहीं करता था, वो खा लेता था सर, वो अकाउंटेंट. मतलब वो क्या करते थे, टैक्स के नाम पे पैसे लिए और खुद अपने पास रख लिए. तो और उसके अलावा ना जो डिस्कस मतलब जो चीजें बता रहे वो गलत बता रहे. अभी दीप के पास आए, दीप का अभी केस थोड़ा बड़ा था तो उन्होंने मुझसे भी बात करी, मैंने बात कराई, उनका मतलब सारा सिस्टम सॉल्व हो गया, ठीक है. मतलब उनको साल के कम से कम और कुछ नहीं 10-15 करोड़ रुपए उनके सेव हो रहे हैं साल के. अब वो बताओ जब 10-15
मतलब सुनिए सर, 9 करोड़ का टैक्स आता है उसमें, फिर 2.5 CR का एक्स्ट्रा अकाउंटेंट खा लेता है, वो 2.5 CR सेव हो गया, फिर 9 करोड़ का टैक्स से भी सेव हो गया, मतलब कितना सेव हुआ आपको? और ये तो सिर्फ GST है, इनकम टैक्स अलग से हुआ, जो कल को गलत करने के चक्कर में जो केस बनता वो अलग से हो गया, वो कल को फाइन पड़ता, जेल जाना पड़ता, वो सब का 2.5 CR, जो GST का 2.5 CR अकाउंटेंट ले जाता था टैक्स के नाम पे, वो सॉल्व हो गया, इनकम टैक्स का 9 करोड़ का सेव हो गया, फिर मतलब क्या बोलू, वो तो पागल सा हो गया। तो अब वो बताओ ना कि वो क्यों नहीं पे करेंगे, अगर उनको पता चल रहा है कि हाँ भाई मेरा इतना बड़ा काम हो गया है, मेरा इतना सेव हो रहा है, अगर उसके उन क्लाइंट के, अगर मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ भी सेव हो गए, आप उनसे 50 लाख भी मांग लोगे, वो कहेगा भाई ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बाकी के 9.5 करोड़ तो मेरे सेव हो गए ना, तो और सही तरीके से बचे हैं, तो वहां पे फर्क आता है, क्वालिटी मेंटेन रखो। बोलो बोलो। तो मेरा एक टेंडेंसी है, क्या है आपको बताएं, जब कोई क्लाइंट चाहता है तो मेरा फर्स्ट मतलब एकदम पॉइंट रहता है उस क्लाइंट का काम एकदम अच्छे से करो, ठीक है, कम पैसे में अच्छे से करो। तो मतलब हाँ बोल देता हूँ यहाँ पे, मतलब आपका टैक्स बाद में देना अच्छा होगा या पहले आप कम पैसे में करा लेंगे सब कुछ, सही बात है, ऐसा करके हम पकड़ते हैं। तो वो बोलते हैं बाद में देने से यहाँ से कम ही कम करके हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पे उनका टैक्स जाता था 40,000 या 50,000, यहाँ पे हम 15,000 में कंप्लीट कर लेते हैं, उसका बाद में कोई टैक्स भी नहीं जाना पड़ता, ठीक है। तो काम पहले अच्छा करोगे तो वो क्लाइंट बाद में दूसरी जगह में नहीं जाएगा, करेक्ट है। पहले जब तुम उसको हेरासमेंट करोगे टैक्स के नाम पे ले लोगे, हार्डली दो साल या 3 साल मैं उसके पास से पैसा खींचूंगा, तो मैक्सिमम ऐसा, फिर बाद में तो वो क्लाइंट जो मेरे पास 100 करोड़ का आया ना, आपने देखा ना क्यों आया उस जगह में, मतलब हैरेसमेंट होके ना मेरे पास आया, राइट, तो मैं ऐसा मतलब उसका प्रॉफिट का साइड दिखा के पैसा लूंगा तो क्या सोचेगा, मतलब मेरा प्रॉफिट हो रहा है, इतना ज्यादा प्रॉफिट करा के दे रहा है, तो ले जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं, तू भी मतलब ले ले, मैं भी ले ले तो। सही बात है, ये बहुत बड़ा एक रहता है, मतलब कोई भी काम है, देखो कोई भी काम है, सिर्फ यही नहीं, आप क्वालिटी जब तक मेंटेन नहीं रखोगे ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरीके से चलता है, या तो एक साल पैसा कमा लो या पूरी लाइफ पैसा कमा लो, पूरी लाइफ कमाना है तो मतलब हमेशा क्वालिटी को अपनी मेंटेन रखो, कभी भी क्वालिटी मेंटेन करना, प्राइस चाहे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो, एक क्लाइंट कम ले लो, बट ओवरऑल इस प्रोफेशन में गुडविल है सब कुछ, मतलब बहुत गुडविल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। और सर आपके पास ऑफर भी, मतलब आपको तो पता ही है क्या ऑफर आया मेरे पास, राइट, मतलब 4 लाख का पे करेगा मंथली 4 लाख का, मैंने छोड़ के दिया, छोड़ के दिया, मतलब 4 लाख का होता है 48 लाख पर ईयर, बिल्कुल पैकेज आया मेरे पास, मैं छोड़ा क्यों, मतलब बाद में मुझे, मतलब मैं तो 2 साल का लिए नहीं बैठा हूँ ना, मतलब 2 करोड़ कमा लिया 2 साल में खत्म हो गया बिजनेस, ऐसा तो नहीं है, मतलब मुझे लॉन्ग टर्म में जाना है, तो इसलिए आपसे कंसल्ट किया करना है क्या, तो आपने मना कर दिया डायरेक्ट, वो लीगल नहीं है, इलीगल काम है, छोड़ दो तुम्हारे ऊपर भी दिक्कत आ जाएगा, तो मैंने ठीक है उसको छोड़ा भी नहीं, उसको क्या किया, उसको लीगलाइज कर लिया सब कुछ, सही बात है, तो ठीक है, 2 लाख मतलब 4 लाख पे, 4 लाख वो पे करने वाले थे, अभी 2 लाख मिलेगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरा मतलब वो फिक्स्ड हो गया, वो पार्टी भी फिक्स्ड हो गया, मैं भी, मेरा गुडविल भी भर गया उसके आगे, और वो काम किसी भी जगह नहीं जाएगा बाद में, और वो क्लाइंट दूसरा क्लाइंट जरूर लेके आएगा, हाँ। वो क्लाइंट आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि वो खुश है, उसको फायदा दिख रहा है, तो क्यों किसी और को नहीं करेगा, अपने फ्रेंड को अपने सर्कल में डेफिनेटली कहेगा कि अरे भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, वहां पे जाके फायदा है, और आप जब अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो आपके पास जरूर आएगा वो क्लाइंट, तो चीज मार्केट में ऐसी चलती है, तो मतलब सिंपल सा क्रक्स में कहूँ तो ये जो हमारी सोसाइटी में या एक मेंटेलिटी में हमारी रहती है, तो कुछ पॉइंट्स रहते हैं जिनको हमें चेंज करने की जरूरत है। पहली चीज कि आप सक्सेसफुल या फिर आप अपना सेटल सिर्फ एक एज के बाद हो सकते हो, बिल्कुल गलत है, पहली चीज ये, आपको अगर सेटल होना है तो 12th के बाद भी आप हो सकते हो, मैच्योरिटी लेवल आपका 12th के बाद भी आ सकता है, एफर्ट्स आपको मेरे पापा तो सर, मेरे पापा ना 11 में भी मुझे बोला तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू कुछ भी, तेरे से कुछ भी नहीं होगा, अभी सबको बोलते
उससे सीखो जरा। और कितना अच्छा लगता होगी वो चीज, है ना? हाँ वो बहुत अच्छा लगता है। अभी वो मतलब वो तो हमेशा ही तुम करके बोलते हैं, तू कभी नहीं बोलता। तो फिर भी तो प्राउड फील होता है, मतलब उनके लिए तो बहुत ही प्राउड है। मतलब आईटी फार्म को ओपन किया मैंने, मतलब सही बात है। तो बहुत अच्छी चीज मतलब है। मैं 3 साल बाद ओपन करना चाहता था। हाँ मतलब ग्रेजुएशन के बाद उनका टारगेट भी था, वो मुझे सेटिंग करके देंगे सब कुछ। अभी मैंने मैं खुद का कर लिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज देखो, हमेशा मैं एक चीज कहूंगा, अर्निंग के लिए पढ़ाई को कभी लॉस नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि ट्वेल्थ के बाद कमाने लग गए तो पढ़ाई, वो मैंने इनको भी नहीं करने दिया। और अच्छी बात है, इन्होंने मेरी बात मानी है, सीए कर रहे हैं, अपना करियर आगे चला रहे हैं। तो अर्निंग एक पार्ट है, सीए एक पार्ट है। और देखो हार्श रियलिटी है, मतलब ये तो हर कोई मानेगा, आप भी मानोगे, सब मानेंगे कि हम कुछ भी कर रहे हैं, मतलब सीए बन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक बहुत मेजर पार्ट हमारा होता है एक अच्छी लाइफ, जिसके लिए अच्छी अर्निंग होता है। ठीक है, रेस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, नॉलेज है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक मेजर पार्ट हमारा अर्निंग होता है। तो वो वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो पा रहा है ना। लर्निंग अपनी हमेशा पूरी लाइफ कंटिन्यू रखो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर हमारे ना फैमिली बैकग्राउंड में फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, तो उसके कारण हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 10-10 घंटे 12-12 घंटे जॉब कर रहे हैं। अब देखो पढ़ाई भी नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप अपनी पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं कहते रहो, मन में एक रहेगा कि पेरेंट्स काश मुझे अफोर्ड कर पाते तो मैं कुछ कर सकता था, मन में वो भी रहेगी। अपनी पढ़ाई भी खत्म कर दी, अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हो 10 घंटे, और आगे का करियर भी खत्म हो गया क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी। जॉब जिस जो कर रहे हो वो आपके मतलब मैनुअल लेबर टाइप में हो गया, ये कुछ आपके फील्ड से अलग हो गया। तो उससे अच्छा तो ये है ना कि सही राइट डायरेक्शन में आप एफर्ट्स पुट करो, एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। दीप का ऐसा नहीं है कि इन्होंने चार, हमेशा क्या होता है ना, सक्सेस दिखती है तो 4 महीने बाद का या 6 महीने बाद की सक्सेस तो आपको दिख रही है, बट उसके पीछे की मेहनत बहुत होती है। मतलब मेरा आ गया, इतना जल्दी आ गया, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं किया कुछ बिल्कुल भी, मतलब ऐसे ही आ गया। हाँ वो मतलब कभी भी नहीं होता, क्लाइंट के साथ उनको भी मैनेज, उनका डिमांड भी, मतलब एम्प्लॉय होता था, उनको क्या चाहिए उसको भी देखना पड़ता था, तो क्लाइंट से कलेक्शन करके उनको भी कुछ मतलब पे करना पड़ता था। ऐसा बहुत चैलेंज आया मुझे में, फिर तो बहुत मैनेज करना पड़ता। तो वो ही सारी चीजें, प्रॉफिट में एकदम कम कर लिया था वहां। हाँ मतलब मुझे जहाँ पे 2,000-3,000 प्रॉफिट होने चाहिए था, वहाँ पे मैं 1,000 कर लिया। मतलब प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, क्लाइंट चाहिए बहुत। बिल्कुल, एक बार क्लाइंट जब आएगा, दो आएगा तो वो चार लाएगा। और यही बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एक वेल प्लान। अब देखो आपके अंडर में कितने एम्प्लॉइज हैं अभी? 12 एम्प्लॉइज। अभी 12 पास आउट होके सब सर सर करते होंगे, और मे बी उनमें से कुछ आपसे बड़ी एज के भी होंगे। सब बड़े सर, सब 27-25 ऐसा कर गए। एक तो सर, एक मेरा मतलब स्टाफ में, वो मेरे सर है। हाँ। तो उनका रिटायर्ड हो गया, तो okay. बोला दीप तुम्हारे ऑफिस में मैं कोई टाइम पास कर सकता हूँ क्या? हाँ। मतलब मेरे लिए कोई क्लाइंट। तो उनका इनकम टैक्स का सर बहुत नॉलेज है, मतलब वो स्कूल में सबका आईटीआर का काम करते थे। okay. साइंस के टीचर है वो, एकदम पियर साइंस के। तो उनका टैक्स मतलब टॉकिंग पावर बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, आप मेरे कंसल्टेंसी में रहोगे, मतलब आईटी फर्म में रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ। आप तो क्लाइंट को कन्विंस कर सकते। बिल्कुल। तो वो भी मतलब मतलब दिसंबर के मतलब 1 तारीख से ज्वाइन किया। बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट देखो मैं अभी मतलब आप सबको पता नहीं अभी क्या एज लगती है मेरी, एज मेरी भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। सो अभी मतलब जब सीए लाइन में जाते हैं या फिर टीचिंग लाइन में जाते हैं, मेरी तो दोनों ही लाइन ऐसी हो गई। हाँ दोनों केस में ओके है। सो जो बोल देता हूँ सर, मैं एक आइडिया करके बोल देता हूँ आपका, ठीक है। 32 से 35 तक होगा, बहुत ज्यादा है सर, ज्यादा है। ठीक है, अभी सबको एक आइडिया लग गया होगा थोड़ा सा। तो अभी मतलब अच्छा, तो अभी 30 के नीचे
अब ज्यादा नहीं बात करते हैं, ठीक है? फिर बिल्कुल एग्जैक्टली बतानी पड़ जाएगी, तो ओके थोड़ा सा रहना चाहिए परसेप्शन में. सो अभी मतलब क्या होता है कि जब आप सीए हैं या सीए टाइप में वर्क कर रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज है आपकी गुडविल, आपका वर्क. अगर सीए होके भी आप किसी से मिसबिहेव कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो रेपुटेशन आपकी रेस्पेक्ट जीरो होनी है, ठीक है ना? वो चाहे फिर आप कितने बड़े लेवल पर चले जाओ, जीरो होगी. अदरवाइज एक सीए बन के जब आप जाते हैं, तो मुझसे बहुत बड़े लेवल पे, मतलब और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एज में भी बड़े हैं, और मतलब अगर मैं उनकी सक्सेस लेवल की बात करूं या उनके बिजनेस की बात करूं, वो मुझसे काफी सीनियर, मतलब बहुत अच्छे बड़े लेवल पे होते हैं, तो भी वो मुझे हमेशा सर करके बात करते हैं. एक रेस्पेक्ट होती है, सर कहना ही नहीं, मतलब रेस्पेक्ट भी होती है उसमें. वहां पे दो चीजें मैटर करती हैं. पहला आपकी नॉलेज, आपकी डिग्री, जो आपका एक क्वालिफिकेशन हो गया, वो उसके कारण है वो चीज. दूसरी आपका बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है उसके कारण. फिर ऐसे ही मेरा एजुकेशन लाइन में हो गया, तो यहाँ पे भी मेरे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिटायर्ड होते हैं, मतलब अभी स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स ही ना, वो मेरे से तो बहुत बड़े हैं, मतलब 60 क्रॉस कर चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं. तो वो क्या कर रहे हैं कि अभी रिटायरमेंट के बाद हर किसी को रहता है कि हाँ भाई मैं ना कुछ काम अपना स्टार्ट कर लूँ अभी, मतलब एक पार्ट टाइम चलता रहे, तो जीएसटी इनकम टैक्स उनके लिए थोड़ा सा नया हो जाता है, तो वो सीख रहे हैं, तो वो भी मुझे कॉल करते हैं, तो सर आप कैसे हैं. तो अभी अदरवाइज उनके सामने तो मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ ना. उनका एक्सपीरियंस, अगर मैं कोई भी देखो सीनियर पर्सन होता है तो उसको लाइफ का एक्सपीरियंस है, बट वो एक रेस्पेक्ट जो मिलती है ना, वो बहुत यूनिक चीज होती है. तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सीए प्रोफेशन हो गया, या अभी आपको इस तरीके के जो सर्टिफिकेशन वाले कोर्सेज का मैंने एक रूट आपको दे दिया है, तो इनमें मतलब आपको लाइफ में वो तीन चीजें चाहिए होती है, हमेशा एक बात मैं कहता हूँ, पैसा, रेस्पेक्ट और एक फेम. ये तीनों चीजें आपको इन कोर्सेज से मिल सकती है. सीए करने का रीजन क्या था, एक तो अच्छी लाइफ है, अर्निंग के आपकी रेस्पेक्ट मिलेगी और आपको नेम प्रमोट होगा, मतलब आपका नाम बनेगा, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. और आज के टाइम पे तो डिजिटल है, कोई भी बाउंड्रीज तो है ही नहीं आज के टाइम पे, तो फिजिकल बाउंड्रीज तो खत्म ही होगी आपका, मतलब ये सोच रहे हो ना कि लॉकडाउन में सर मैं काम किया था ना. हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज दीप बीच में, एक मिनट, इन्होंने वर्ड अच्छा बोला, लॉकडाउन में ये सब हुआ है, मतलब उनके पास जो क्लाइंट आए हैं ना लॉकडाउन में आए हैं, इन्होंने जो अपने आप को लेवल पे इस लेवल पे लेके आए हैं लॉकडाउन में लेके आए. लॉकडाउन वो टाइम है जब सारे बिजनेस बंद पड़े हैं, ठीक है ना? लॉकडाउन मतलब अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा है कुछ ही कह दो, वैसे ओपन हो गया है सब, बट बिजनेस तो नहीं चल रहे ना लोगों के, तो उस टाइम पे ये सब हो रहा है. नॉर्मल होता तो फिर क्या होता, तो वो चीजें सोचो आप. हाँ अब बोलो दीप, क्या कह रहे थे आप? लॉकडाउन में सर मतलब मेरा क्लाइंट जो है मतलब थे तभी तो 15-16 समथिंग था, ठीक है, लॉकडाउन में, मतलब आपका ये अगस्त से पहले हो गया, जो अगस्त से पहले जो हो गया, मतलब मैं तो कोर्स करते-करते मतलब करते-करते मैं तो काम करना स्टार्ट कर दिया. आपको आपने बोला था ना तुमको आता है या नहीं आता है मत देखो, तुम काम ले लो. बिल्कुल, मैंने काम ले लिया. विश्वजीत के साथ भी सेम यही हुआ है, जो इनके कजन है, वो अभी तो कोर्स स्टार्ट किया. मैंने कहा क्लाइंट ले लो, कह रहे सर 5 करोड़. वो उन्होंने ऑडियो भेजी थी मुझे, उनकी 2 मिनट की ऑडियो थी, 2 मिनट की ऑडियो में कम से कम उन्होंने 10 बार कहा सर मैं 5 करोड़ सुन के डर लग रहा है, उनकी ये डर ज्यादा रहे थे. मैंने कहा लो क्लाइंट मना सर, होता है, नेचुरल है, नेचुरल है. पहले देखिए वो कॉमर्स स्टूडेंट, मतलब कॉमर्स स्टूडेंट तो नहीं चाहिए, जीएसटी में कुछ भी नहीं चाहिए, बट इनकम टैक्स में मैं रेफर करूंगा, मतलब सभी कर सकते हैं, मतलब नॉलेज थोड़ा एफर्ट ज्यादा देना पड़ता है और कुछ भी नहीं. अभी मैं सेशन लेके आऊंगा, जो बहुत सारे साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी मैं भी ट्राई करता हूं, उनसे बात करवाऊंगा. तो साइंस साइड के होते हुए मेरा बहुत फ्रेंड भी है, बहुत नहीं उनको जरा एफर्ट ज्यादा देना पड़ता है. हां थोड़ा सा बहुत फ्रेंड भी है, उनको रिकमेंडेड दिया, तो बोलते हैं मैं पीएल बैलेंस शीट कैसे करूंगा, उसको तो मुझे आता नहीं है. तो विश्वजीत में भी मुझे ऐसा ही कहा, मुझे तो आता नहीं है, वो कैसे करूंगा. तो मैं बोला तुम एक काम करो सर से, मतलब 11-12 का जो एकदम जीरो टू हीरो वो कर, तो वो तुम्हें अच्छे से कर देंगे, तो उससे तुम्हारा नॉलेज बहुत आ जाएगा. और दीप अब आपने जब करा था ना, तब मैंने वीडियो में वो चीजें ऐड नहीं करी थी. अभी तो मैंने क्या कर दिया है कि जो जीएसटी इनकम टैक्स है वो तो बिल्कुल जीरो से ही मैंने बताया कि आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उस लेवल से स्टार्ट करा है, कॉमर्स चाहिए ही नहीं. और जो टैली वगैरह की भी वीडियोस है ना, उसमें मैंने पूरा अकाउंट्स क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, जनरल एंट्री क्या है, लेजर क्या है, ये पूरा सिखा दिया मैंने. तो मतलब अभी तो फुल पैकेज हो गया कि कुछ करना ही नहीं पहले. हाँ तो वो तो ये होता है ना, ओवर द टाइम थोड़ा हम जैसे रिक्वायरमेंट लगती रहती है स्टूडेंट की, मेरी कोशिश रहती है और बेटर करते रहो उनको. जब आपने करा था ना, आज के टाइम पे कंटेंट उसमें डबल हो गया है, फीस उतनी है.
अच्छा वो तो मैं पहले पता नहीं था सर, आपने बोल दिया, अच्छा हुआ। अभी जो मैं जो किसी को रेकमेंडेड करूंगा तो बोल दूंगा यहाँ पे सब कुछ कॉम्बो है, तुमको कोई जरूरत नहीं दूसरे कुछ बैकग्राउंड कुछ नहीं चाहिए, 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है साइंस साइड में, जो जिनको 20-30 इयर्स भी हो गए साइंस के वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल ABCD से पढ़ाया जाएगा अकाउंट्स वगैरह सब, तो वो दिक्कत नहीं है उसमें। तो मेन चीज यही है, एफर्ट्स तो देखो देने पड़ेंगे, सक्सेस देख के ये मत खोल लेना कि कोई भी कोर्स मेरा अगर परचेस कर रहा हो तो इस उसमें मत परचेस कर लेना, अरे कोर्स परचेस करते 3 महीने में 4 महीने में चलो 1 साल में मैं भी 2.5 लाख में आऊंगा, नहीं, एफर्ट्स दोगे तो 3 महीने में भी कमा सकोगे, नहीं दोगे तो नहीं। बहुत सारे CAs ऐसे भी होंगे जिनको आप देखिए, मतलब मैं जो मतलब बहुत घूमा, मतलब जहाँ भी जाता था, मतलब आपने मतलब मेरे आपने तो बाद में वो जो YouTube में बोला कार्ड बना लो पहले ए कर लो वो कर लो ऐसा कहा था ना क्लाइंट को, स्टूडेंट को जो एक महीने से बिना, तो मैं बहुत पहले ही वो कर लिया, मतलब जिस दिन मैं कोर्स परचेस कर लिया उससे 1 वीक बाद ही मेरा कार्ड मतलब विजिटिंग कार्ड बना लिया था, उस विजिटिंग कार्ड कर दिया था, मैं दिखा था मेरा पुराना वाला कार्ड है सर, मैं देख रॉय ब्रदर्स एंड सन प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरा पुराना वाला तो उसका चेंज कर लिया अभी, तो मेरा मतलब आपका आपने मतलब नाम दिया था उसका वही रख दिया द रॉय लीगल कंसल्टेंट। और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये चीजें, तो मतलब एफर्ट्स तो देखो देने पड़ते हैं और एफर्ट्स के बिना कुछ नहीं, बहुत सारे कार्ड दो अपना ऐसा बोलते हैं सभी, तो मतलब नंबर तो चाहिए ना ऐसे तो लिख लो ऐसा बोल नहीं सकता नहीं या एक पेपर पे लिख के देता हूं, कार्ड देने से अच्छा होता है ये नहीं ये सर कार्ड देने से ना वो पार्टी क्या करता है दूसरी पार्टी को रिकमेंडेड करता है, देखो आप भले ही आप 2020 में आ चुके हो लेकिन कार अब 21 में ही आ रहे हो 5 दिन बाद, तो बट कार्ड अभी पूरी तरह से इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कार्ड्स की वैल्यू खत्म हो गई है, बहुत इम्पोर्टेंट, और सबसे पहले ना इम्प्रेशन क्रिएट करता है कार्ड, तो मतलब ये तो मतलब आपका सूटेड बूटेड कोटेड के साथ ही रिलेटेड है सर, बिल्कुल आपका मतलब ऑफिस में तो सर ऐसा मतलब कोई पजामा पहन के तो नहीं जा सकते ना, करेक्ट एकदम फुल्ली एकदम पैकेज होके जाना पड़ता है खुद का, तो वही चीज है यहाँ पे भी। और मैं इनफैक्ट ये कह रहा था आपको, बहुत सारे CAs ऐसे होते हैं, मतलब CA हो गया सब कुछ हो गया बट अर्निंग की अगर मैं बात करूँ ना तो 2.5 लाख पर मंथ अर्न करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो अभी तो मतलब आप CA भी कर चुके सब कुछ कर चुके बट राइट डायरेक्शन में राइट एफर्ट्स और सही क्वांटिटी के एफर्ट्स, मतलब मेहनत करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपने एफर्ट्स पुट कर दिए तो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके भी कर सकते हो ना, CA से ज्यादा भी अर्न कर सकते हो, नहीं करे तो नहीं, और हाँ CA इससे ज्यादा भी अर्न करते हैं और बहुत कम भी अर्न करते हैं, दोनों चीजें बात है। और अभी तो दीप की स्टार्टिंग है, अभी तो सर 4 मंथ्स हुए हैं, स्टार्टिंग है, उम्मीद करते हैं एनुअल को मंथली में कन्वर्ट हो, तो ये आपकी आशीर्वाद रहेगा तो वो हो जाएगा, अभी जो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एनुअल इनकम को मंथली इनकम में कन्वर्ट करो तो चीजें हो अच्छे से नहीं ज्यादा कैलकुलेशन मत करो अभी सोचते प्रेशर हो जाए, मतलब आपको मेरा बीपी दिखाया था मैंने नहीं नहीं इतनी टेंशन मत मतलब जो फोटो राइट 177 और 100 हो गया मेरा, मतलब सोचिए आप मेरा एज में कितना है, नहीं नहीं वो ऐसे टेंशन तो नहीं लेनी चाहिए, लाइफ को एंजॉय करते हुए करो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है ऐसे ही करते रहो अपना बहुत अच्छे से, और मैं भी और कोशिश करूंगा बाकी स्टूडेंट्स भी जो कर रहे हैं तो उनसे भी ओवर द ईयर मतलब टाइम सेशंस करूं, ताकि स्टूडेंट्स को मतलब जो एक माइंडसेट हो रखा है ना इतने सालों से जो हमारी सोसाइटी में है वो चीज़ कि नहीं हो सकता यार कुछ नहीं हो सकता आपका, और जो स्टूडेंट का होता है ना कि उसको जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स पहले फादर कहते थे तेरा कुछ नहीं होगा और अब कहते हैं, तो पेरेंट्स भी ऐसा नहीं गलत कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे वो सही कह रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं करते दिल से कुछ भी नहीं करते, वो चाहते हैं अच्छा, गलती आपकी थी, गलती स्टूडेंट की होती है कि उस टाइम पे वो नहीं कर रहे थे अपने ना स्टडी में आपने एफर्ट्स दिए या कुछ, तो उसके बाद जब एफर्ट दिए तो पेरेंट्स की ज्यादा खुशी इस दुनिया में किसी को नहीं होगी, राइट भी था मतलब वही तो मैं कह रहा हूं ना, उनका बोलना मैं एक बार बोल देता हूं, उनका बोलना राइट भी था, मतलब आप सोचिए मतलब मेरा 10th में एकदम रिजल्ट एकदम बहुत बकवास हुआ, मतलब ना के बराबर पास होने के बराबर एकदम छोटा छोटा बॉर्डर लाइन में पास करा, ठीक है फिर मतलब मैं बोलने से कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे वो मिला
राइट है। फिर 12 में मतलब 11 में जब मतलब कॉमर्स में जॉइनिंग के पहले पापा से प्रॉमिस किया, मतलब आप मुझे एक चांस दीजिए, मैं आपका नाम नहीं डुबाऊंगा, आप मुझे सिर्फ एक चांस दीजिए। तो आप सोचिए, 4 साल से बाहर, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट जो है 4 साल के बाहर पर आ रहे हैं, मतलब खर्चा पानी तो कितना लगता है आपको बताइए। फिर माँ भी मेरे साथ है, बहना भी है, छोटा बहन है मेरा, वो क्लास 3 में है अभी। तो बहुत ज्यादा जाता है, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था। तो 9 में था बहुत, पर 10 में एकदम फ्रेंड्स के लिए, मतलब फ्रेंड्स का इशू नहीं है, सब मेरा 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 एकदम दोष है, मतलब मैं नहीं पढ़ा इसलिए मुझे नहीं आया, ठीक है। तो मैंने चैलेंज किया सब पापा से, मतलब मैं करके दिखाऊंगा कॉमर्स लेके, मैं गेन करूंगा। तो मेरा कॉमर्स लेने के बाद एक ही टारगेट था, मतलब मैं तो एकदम रफ स्टूडेंट हूँ, मुझे सिर्फ फर्स्ट डिविजन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब मेरा तो 500 में एग्जाम होगा, 300 में 60% होता है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट 300 चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं इसके लिए काम कर रहा था, एकदम जबरदस्त कर रहा था। बट मेरा एकदम लास्ट में जाके सॉल्यूशन हुआ, पहले तो कुछ भी पढ़ता था याद नहीं रहता था, ऐसे हो गया। लास्ट में एकदम दिन में 16 घंटे पढ़ा, 16 घंटा 13 घंटा करके पढ़ा, करना ही करना है ऐसा, कर एकदम लक्ष्य बना लिया। और दीप देखो, मैं कभी भी इसलिए किसी स्टूडेंट से नहीं पूछता, आपके मार्क्स भी मुझे आज थोड़ी पता भी चल रहे हैं, आपने सर्टिफिकेट किया, चाहे आपने सर्टिफिकेट किया चाहे आपने सीए फाउंडेशन में लिया, मैंने कभी किसी से मार्क्स नहीं पूछता, क्योंकि जो मार्क्स आए वो आपकी उस टाइम पे मेहनत और आपकी माइंड सबका बराबर होता है और एफर्ट्स सही होता है। अभी 12 में सर, अभी 12 में तो मेरे लिए मतलब मेरे लिए बहुत, मतलब आसमान से तारे गिर रहे हैं ऐसे, 65% आ गया मेरा, मतलब कॉमर्स में, मतलब जिसका मैथ्स का कोई नॉलेज भी नहीं था, ठीक है, आपको पता है, मतलब 10 में 45 मिलके जिनको पास आउट हुआ, उसमें मतलब कॉमर्स में जाके मतलब पूरा एकदम चेंज होने के बाद भी, मतलब मैंने किया, मेरे लिए बहुत है, कोई ज्यादा कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, उसका उसका मतलब कौन स्किल ग्रोथ किया मतलब मेरे लिए मैं बहुत ज्यादा ठीक है दीप। तो आपने मेरा टीचर वो, हाँ बोलो, अब मैं ये कह रहा हूँ तो सेशन को एंड करना रहेगा क्योंकि लेंथ ज्यादा हो जाएगी ना, जूम पे अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो जूम की वो वीडियो कट हो जाएगी तो इसको लिमिट, ठीक है ठीक है। हाँ बोलो, जो आप बात कर रहे थे पूरा करो, वीडियो स्प्लिट हो जाएगी तो वीडियो एंड हो गया। सीए का मतलब सीए का जो बोल रहा था, मतलब आपने बोला मेरा टीचर जो बोल रहे थे, वो टीचर बोल रहे थे जो तुम सीए नहीं कर पाओगे, उसके बहुत टाइम देना पड़ता है, बोले आपने मुझे इम्प्रेशन दिया ना, मतलब तुम ये कर सकते हो, ठीक है, फिर मैं आपने बात में ज्वाइन कर लिया मैंने। तो वही चीज है, आगे जाते रहो, मुश्किल कुछ नहीं है, मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। अगर मैं सिंपल कहता हूँ, स्टूडेंट पूछते हैं ना कि सीए मुश्किल है क्या, मैं कहता हूँ कि आप एफर्ट्स लोगे तो आसान है, मेहनत नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है। तो वो कोई भी चीज है, और जो चीज आसान है ना, मान लीजिए बीकॉम आसान है तो बीकॉम करके क्या कुछ मिलता है क्या, नहीं। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल रूल है, जो चीज आपकी मुश्किल है यानी कि वहां पे अवेलेबिलिटी कम है, वहीं आपको अर्निंग रेस्पेक्ट सब कुछ मिलेगा। सबको पैकेज चाहिए सर, सबको मतलब कॉम्बो चाहिए सबका, मतलब सब हो जाता है एक में तो अच्छा है, पार्ट पार्ट करने लेने से बहुत दिक्कत आती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीजें हैं। चलो मैं विश करता हूँ दीप आपको कि बहुत, मतलब सबसे पहले तो विश ये करूंगा कि जल्दी से सीए बनो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेन तो वो है, और सेकंड चीज ये कि अर्निंग जो है आपकी बहुत स्पीडली और अच्छे से ग्रो करे, मतलब एक सीएस भी देखे ना आपको तो क्या, अरे मतलब यार मैंने तो क्यों सीए करी है, तो चलो सीए करूं, बट हाँ सीए करनी है वो अलग ही चीज है, देखो ठीक है ना। और आपका बात मैं कायम करता हूँ, मतलब जो स्टूडेंट है, मतलब जो मेरे भाई के समान है, मतलब मुझसे बड़े भी है, उनको सब एक बात करना चाहता हूँ, मतलब इनकम ज्यादा होने से पढ़ाई मत छोड़ो, बिल्कुल वो कंटिन्यूअसली करते हैं, करेक्ट, मतलब इनकम को छोड़ दो, बस स्टडी को मत छोड़ो, बिल्कुल। और ये चीज ना अभी क्या होगा दीप, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा ना, इंटर में आपके पास स्टडी का प्रेशर आएगा, ठीक है, तब आप मेरे पास, मुझे मुझे पता है आपकी कॉल आएगी मेरे पास आज से 6 महीने बाद कि सर पढ़ाई के साथ साथ वर्क मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे भी मैं आपको दो चीजें गाइड करूंगा, एक तो ये अपने वर्क को ऑटोमेट कर दो, मतलब आपको टाइम ही ना देना पड़े उसमें, काम चलता रहे, अर्निंग चलती रहे, ऑटोमेट कर दो।
और एक लिमिट से ज्यादा अभी मैं उस प्लान ही कर रहा हूँ, उस प्लान का ही कायम कर रहा हूँ, स्टाफ बढ़ा दिया, काम को एकदम क्लीन कर लिया। और उसमें जहाँ जहाँ पे भी एक लिमिट से ज्यादा आ रहा है, स्टडी स्ट्रगल कर रही है, मैं हमेशा यही कहूंगा उस वर्क को अभी के लिए छोड़ दो, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद अपना वो काम भी पकड़ना। तो वो चीज है। और अच्छा है, बहुत अच्छे से विशेज हैं कि बहुत अच्छे से ग्रो करो, और मतलब पेरेंट्स को तो बहुत जो प्राउड होता है वो और ज्यादा होता रहे। वो तो बहुत अच्छा लगता है सर, बाकी किसी के कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, वी विल ट्राई कि हम आपको रिप्लाई करें, दीप या मैं जो भी, तो आपके डाउट्स वगैरह करेंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय। बाय दीप, बाय बाय।